हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई वांट टू टेल यू ऑल कि मैं एक अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, जहाँ पे मैं नीट यूजी को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। यू कैन ज्वाइन माई फ्री लाइव क्लासेस ओनली ऑन अनअकैडमी ऐप। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड MGNEET फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप दैट इज बायोलॉजी विद मानसी फॉर द रेगुलर अपडेट्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स एंड फ्लावर्स एज रिप्रोडक्टिव होते हैं। प्लांट्स के पास क्या है? फ्लावर्स है, जो कि एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट काम करता है। तो फ्लावर्स के पास एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। पहले हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम फ्लावर्स में क्या बोलते हैं? स्टैमन। जिसके पास क्या होता है? एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। पहले हम देखते हैं कि एंथर क्या होता है। एंथर इज अ टर्मिनल बायलोब स्ट्रक्चर। मतलब एंथर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है और ये बायलोब होता है। मतलब इसके पास दो लोब्स होते हैं। दिस इज द एंथर। ये हमारा टर्मिनल पे प्रेजेंट है और इसके पास दो लोब्स हैं, फर्स्ट लोब एंड दिस इज सेकंड लोब। फिलामेंट क्या होता है हमारा? फिलामेंट एक लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टोक है। मतलब दिस इज फिलामेंट, ये एक लॉन्ग और स्लेंडर स्टोक होती है। तो अब हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो क्या बनाता है? वो पोलन ग्रेन्स बनाता है एज अ मेल गैमेटोफाइट, जिसके पास क्या होते हैं? दो टाइप के सेल होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। इसके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड इज जनरेटिव सेल। तो हमारे जनरेटिव सेल क्या करता है? फर्दर डिवाइड करके क्या बनाता है? दो मेल गैमेट्स बनाता है। तो हमारे पास पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जिसके पास एक वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल क्या करता है? डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बनाता है। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं या फिर कार्पल बोलते हैं। जिसके पास क्या होता है? एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होती है और एक ओवरी होती है। पहले हम देखते हैं कि स्टिग्मा क्या होता है। स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा क्या करता है? एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म काम करता है फॉर द पोलन ग्रेन्स। मतलब यहीं पे आके जो पोलन ग्रेन्स है वो लैंड करेंगे। नेक्स्ट इज स्टाइल। स्टाइल क्या है? एक इलोंगेटेड पाथ है, पार्ट है बीनीथ स्टिग्मा। मतलब स्टिग्मा के जस्ट नीचे एक इलोंगेटेड पार्ट है। नेक्स्ट इज ओवरी। ओवरी क्या? एक बेसल बल्ज्ड पार्ट है पिस्टिल का। मतलब दिस इज द ओवरी। इस ओवरी में क्या होता है? इस ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक। मतलब ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, उसी को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और ये ओव्यूल कहाँ पे बनता है? ओवरी के अंदर। दिस एम्ब्रियो सैक कंटेन्स एग, दैट इज फीमेल गैमेट। मतलब ये एम्ब्रियो सैक क्या कंटेन करता है? एक एग कंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक ओव्यूल का, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, जिसके पास एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है और एक ओवरी है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक है, मतलब जो हमारा एक ओव्यूल है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म में, वो 8 न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं, मतलब 7 सेल होते हैं। इसके पास दो एंड्स होते हैं। पहला एंड है माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। एंड सेकेंड एंड इज चलेजल एंड, दिस इज चलेजल। सेकेंड एंड इज चलेजल एंड। तो दो तीन सेल्स क्या करते हैं? वो मिलके क्या बनाते हैं? एग अपरेटस बनाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल एंड दिस इज थर्ड सेल। ये तीनों सेल मिलके क्या बनाते हैं? एग अपरेटस बनाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे। इस एग अपरेटस के पास तीन सेल्स हैं, जिसमें से दो होते हैं हमारे सिनर्जिड्स और एक होता है हमारा एग सेल। दीज टू आर द सिनर्जिड्स और ये हमारे पास है एग सेल। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे? एग अपरेटस बनाते हैं। हमारे पास चलेजल एंड पर भी तीन सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? एंटीपोडल्स बनाते हैं।
लार्ज सेंट्रल सेल हैज टू पोलर न्यूक्लियाई, और सेंटर में हमारे पास क्या होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। दिस इज फर्स्ट पोलर न्यूक्लियाई एंड दिस इज सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई। तो इसमें हमने क्या देखा, एम्ब्रियो सैक आठ न्यूक्लिएटेड होता है और सेवन सेल्ड होता है। इसके पास दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर और एक होता है चलेसेल। माइक्रोपाइलर के पास तीन सेल्स होते हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं, एग एपरेटस बनाते हैं। इसके पास दो सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल है। इसके पास एंटीपोडल्स होते हैं तीन, कहाँ पे, चलेसेल एंड पे, और सेंटर में क्या होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई। तो सिनर्जिड्स के पास क्या होता है, सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर एंड पे, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफोम अपरेटस। ये फिलीफोम अपरेटस क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है इन द सिनर्जिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि पोलन ट्यूब को गाइड कौन करता है सिनर्जिड्स में, कौन करता है, फिलीफोम अपरेटस। ये फिलीफोम अपरेटस क्या है, एक सेलुलर थिकनिंग है सिनर्जिड्स के पास, किस पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, जो कि क्या करता है, पोलन ट्यूब की, पोलन ट्यूब को गाइड करता है इन द सिनर्जिड्स। अब हम देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जैसे ही पोलन ट्यूब सिनर्जिड्स में एंटर हुआ, उसने क्या करा, पोलन ट्यूब ने दो मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया। ये दो मेल गैमेट किसने प्रोड्यूस किए थे, जनरेटिव सेल ने। हमने बात की थी कि पोलन ग्रेन के पास दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। जनरेटिव सेल ने क्या करा, दो मेल गैमेट्स को बनाया, और पोलन ट्यूब ने क्या करा, सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में उन दो मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया। और जो हमारे पास यहाँ पे सिनर्जिड्स होते हैं, उनका क्या प्लोइडी होती है, वो हैप्लोइड होते हैं, मतलब उनके पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पोलन ट्यूब ने क्या करा, दो मेल गैमेट्स को सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करा, एग सेल के साथ। उसने क्या करा, सिनगैमी को कंप्लीट किया, मतलब एक मेल गैमेट ने क्या करा, एग सेल के साथ फ्यूजन किया और सिनगैमी को कंप्लीट किया। और उसने क्या बनाया, एक डिप्लोइड जाइगोट बनाया, क्योंकि हमारे पास मेल गैमेट की क्या प्लोइडी है, एन, और एग सेल की भी क्या होती है, एन। तो उन दोनों ने मिलके क्या बनाया, डिप्लोइड जाइगोट बनाया, टू एन जाइगोट बनाया। ये जाइगोट क्या करेगा, फर्दर डेवलप करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और हमारे पास एक दूसरा मेल गैमेट है, उस मेल गैमेट ने क्या करा, जो सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई थी उनके साथ फ्यूज करा और क्या बनाया, एक ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। मतलब मेल गैमेट हमारे पास एन था, और जो पोलर न्यूक्लियाई है, दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो क्या नंबर हो जाएगा उनका, टू एन। तो इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, एक ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाया, जिसका क्या प्लोइडी है, थ्री एन। और इस ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई ने फर्दर बनाया एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होता है, ये एंडोस्पर्म, ये जो डिप्लोइड जाइगोट है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाए। आई एम रिपीटिंग अगेन, जैसे ही पोलन ट्यूब ने एंट्री ली सिनर्जिड्स में, तो वहां से पोलन ट्यूब ने क्या करा, दो मेल गैमेट को रिलीज कर दिया सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। एक मेल गैमेट ने क्या करा, एक्सेल के साथ फ्यूज करके सिनगैमी को कंप्लीट किया और डिप्लोइड जाइगोट बनाया, और जो फर्दर क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है। दूसरे मेल गैमेट ने क्या करा, जो सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई थी उनके साथ फ्यूज करके क्या बनाया, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जिसका क्या प्लोइडी है, थ्री एन है। और जो फर्दर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। यही एंडोस्पर्म क्या करता है, जो हमारा डिप्लोइड जाइगोट है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा फर्स्ट मेल गैमेट था जिसकी प्लोइडी एन थी, उसने क्या करा, एग के साथ जिसकी भी प्लोइडी एन थी, क्या बनाया, एक डिप्लोइड जाइगोट बनाया, जिसकी क्या प्लोइडी है, टू एन। जो हमारा दूसरा मेल गैमेट था, उसने क्या करा, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाया, एक ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PEN, जिसकी क्या प्लोइडी है, थ्री एन, क्योंकि हमारे पास मेल गैमेट एन है और दो पोलर न्यूक्लियाई है तो टू एन, तो क्या प्लोइडी बन गई, थ्री एन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो एज दिस इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लोइड न्यूक्लियस, यहाँ पे कितने बार कितना फ्यूजन हुआ है, तीन हैप्लोइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है। एक तो एग सेल, फर्स्ट वॉज एग सेल, और सेकंड क्या थे, दो पोलर न्यूक्लियाई, तो कितने न्यूक्लियस हो गए, थ्री। तो इसने क्या इन्वॉल्व किया है, तीन हैप्लोइड न्यूक्लियस का फ्यूजन इन्वॉल्व किया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोइड फ्यूजन। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन अकर, दो टाइप के फ्यूजन अकर हुए हैं, एक तो हमारी हुई है सिनगैमी, जिससे हमारे पास क्या बना है, डिप्लोइड जाइगोट बना है, और दूसरी फ्यूजन क्या है, ट्रिप्लोइड फ्यूजन, जिससे हमारे पास क्या बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बना है। ये कहाँ पे हो रहे हैं, एम्ब्रियो सैक में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो बार फ्यूजन हो रहा है, एक बार सिनगैमी हो रही है और एक बार ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन।
इसलिए हम फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रिपल फ्यूजन अकर एट सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सेक। ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो सेक के सेंटर में होता है, जहाँ पे हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन आर टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट। इसलिए ट्रिपल फ्यूजन में कौन से न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हुए हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हुए हैं और एक मेल गैमेट इन्वॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे हमारे सेंटर में क्या बना, पीई एन बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जिसकी क्या प्लोइडी है, 3N है। और हमारे पास यहाँ पे क्या बना, जाइगोट बना, जिसकी प्लोइडी क्या है, 2N है। ये किसके फ्यूजन से बना है, एक हमारे पास था एग सेल और दूसरा हमारे पास था मेल गैमेट, इन दोनों के फ्यूजन से हमारे पास जाइगोट बना है। और पीई एन किसके फ्यूजन से बना है, एक मेल गैमेट प्लस दो पोलर न्यूक्लियाई, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बना है, पीई एन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। और जो हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है और एक पीई एन बनता है। जाइगोट की प्लोइडी होती है 2N, जो किसके फ्यूजन से बना है, एग सेल और मेल गैमेट की हेल्प से। और जो पीई एन है वो उसकी प्लोइडी क्या है, 3N है, और वो किसकी हेल्प से बना है, एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।